लोगों के गुस्से का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बिलासपुर कोर्ट परिसर में एक दुष्कर्मी की जमकर पिटाई हुई। लोगों ने दुष्कर्मी भोला साहू को दौड़ा दौड़ा कर मारा। पुलिस जैसे तैसे दुष्कर्मी को बचा कर ले गई। इस नरपिशाच ने एक 9 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। सरकंडा क्षेत्र में 9 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित को पीटने के लिए परिजन के साथ महिलाएं कोर्ट परिसर पहुंच गईं। दुष्कर्म का आरोपी युवक जैसे ही कोर्ट रूम से निकला, महिलाओं ने इसे घेर लिया। इस दौरान भीड़ ने जमकर हंगामा मचाया। दुष्कर्म की इस घटना के बाद से सरकंडा TI JP गुप्ता व उनकी टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने उसके दोस्तों के साथ ही रिश्तेदारों व परिचितों के ठिकानों में दबिश दी थी, लेकिन इस वहशी का कुछ पता नहीं चला। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि वह कवर्धा जिले के सराई पतेरा में अपने रिश्तेदार के यहाँ छिपा है। दुष्कर्मी भोला साहू को कवर्धा से पकड़कर सरकंडा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। उसके पकड़े जाने की सूचना मिलते ही बच्ची के परिजन व मोहल्ले की महिलाओं के साथ ही युवकों की भीड़ कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट रूम से इस बलात्कारी के बाहर आते ही लोगों ने इसकी पिटाई शुरू कर दी। मारो इसको, फांसी दो। इस बीच पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे भीड़ से बाहर निकाला और वाहन में बैठाकर जेल रवाना किया। इस दौरान भीड़ ने जमकर हंगामा मचाया। मामले की जांच में यह बात भी सामने आई कि पीड़ित बच्ची अपने दादी के घर पिछले 3 साल से रहकर पढ़ाई कर रही थी। घटना के दिन उसकी तबीयत खराब होने पर वे स्कूल नहीं गई और इस पर दादी बच्ची को पास में ही रहने वाली अपनी नानी के घर छोड़कर काम पर चली गई थी। तभी मौका पाकर वहशी भोला राम उसके घर में घुस गया और कमरा बंद कर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।